हाँ जी, फिर से एक बार सोल्यूशन लेके आए किसके, मैथ्स के, अब क्लास ट्वेल्थ के, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम 2020 का जो पेपर हुआ उसका जो सोल्यूशन है सेक्शन ए का, जिसके अंदर कुल 20 क्वेश्चन थे, पहले 10 एमसीक्यू, फिर 5 फिलअप्स और 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उनके सेट 1, 2 और 3 सबके सोल्यूशन है सेक्शन ए के, उनके सोल्यूशन, उनकी आंसर की क्या सोल्यूशन था, क्या आंसर था, कैसे सॉल्व करना था, सब बताया था हमने इसको, ठीक है। अब ये देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेट 1 का, सेट 60 कोड नंबर जिसका 65 और 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए डिटरमिनेंट आपको दे रखा था, क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिसमें से हमें निकालना था क्या, 2a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब ये 2 बार आने के लिए पावर क्या होगी, जो ऑर्डर था 3, a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट मींस a डिटरमिनेंट, आंसर क्या आ जाएगा इसका 40, क्वेश्चन नंबर d का फर्स्ट का आंसर क्या हमारे पास d 40, सेकंड के लिए a स्क्वायर इज इक्वल टू a दे रखा है, i माइनस a का क्यूब प्लस a की वैल्यू निकालनी है, इसका होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab * में a माइनस b प्लस a, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी कितनी आ गई हमारे पास i, कैसे हुआ, जहां भी a स्क्वायर दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना है, a बिकॉज़ इट इज गिवन, आंसर a दैट इज i इज करेक्ट। फिर tan inverse, थर्ड क्वेश्चन, tan inverse tan 3π/5, दिस वैल्यू इज नॉट इन द प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस 2π/5 में चेंज करना पड़ेगा, एंड दिस वैल्यू लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव होगा, माइनस बाहर आ गए, -2π/5, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, प्रोजेक्शन कितनी दे रखी है हमारे को, जीरो, प्रोजेक्शन जीरो मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे मींस आई वाला आई से, जे वाला कोएफिशिएंट जे से, के वाला कोएफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करके 2+3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -2π/3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन के हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन z इज इक्वल टू 0, इसका नॉर्मल वेक्टर k कैप जो इसके पैरेलल हो जाएगा, r इज इक्वल टू -i+5j+4+λ k कैप, d इज द करेक्ट आंसर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास कितने होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, 0, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0। नाउ सेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan पाई बाय 4 1 माइनस tan माइनस पाई बाय 4 इज माइनस 1, आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर, जिसका क्या ऑप्शन था हमारे पास d। Now, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 4 माइनस 7 और 3 का, कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास 7 यूनिट्स। Probability of b dash by a by using conditional probability b dash intersection a upon probability of a, इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे, b डैश इनटू a अपॉन a कैंसिल होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश, तो b डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 बाय 4, देयर विल बी 3 बाय 4, ऑप्शन c इज करेक्ट। नाउ That is maximum at 2 point. इन दोनों पॉइंट पे 2.4 पे और 4.0 पे मैक्सिमम था, दोनों पुट करके इक्वेट करा के a इज इक्वल टू 2b, ऑप्शन a इज करेक्ट। पहले ही एमसीक्यू हमारे पास हो गए, नेक्स्ट चलते हैं फिलिप्स पे, अगर a1 a2 बिलोंग्स टू आ रहा है और a2 a1 भी बिलोंग्स टू आ रहा है, तो हमारे पास रिलेशन कौन सा होगा, सिमेट्रिकल रिलेशन, कौन सा होगा हमारे पास, सिमेट्रिकल रिलेशन। दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 0 एंड 2। Now, next question क्या था हमारे पास, order of matrix is 3x2, तो उसका transpose करके order क्या हो जाएगा हमारे पास 2x3 change हो जाएगा। Now, square matrix is said to be skew symmetric, skew symmetric कब होगा, जब a transpose minus a के बराबर होगा, और वाला answer था इसका हमारे पास। Question number 14th, equation of normal to the curve निकालनी है, slope निकालेंगे tangent का, normal का निकालने के लिए minus b by a करके हमारे पास उसकी equation y minus y1 is equal to m into x minus x1, you will get the answer y is equal to 0. Now, question number, इसका और में आंसर जो क्वेश्चन है, dA by dt, that is area, rate of change of area of a circle 2 pi r dr by dt, answer will be 12 pi centimeter square per second. Now, अगले वाले में section formula use करना है आपको, ratio multiply करनी है, answer कितना आ जाएगा 2i minus j cap. क्वेश्चन नंबर 16th, a into adjoint a, a into adjoint a एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट a into i, डिटरमिनेंट a कितना कैलकुलेट करा हमने 2, i से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2000020002, ये क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17th, x की पावर 4 log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके, log x को पहला नंबर और x की पावर 4 को दूसरा नंबर, आंसर क्या आएगा, log x x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस x की पावर 5 अपॉन 25 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसके साथ जो और में 17th में, नीचे वाले फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर जो 1/3 है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो उसकी पावर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे कितनी बनेगी, -1/3, इंक्रीज बाय 1, इट विल बिकम 2/3, आंसर इज x स्क्वायर प्लस 1 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस c। नाउ 18th क्वेश्चन में 2x माइनस 1 और लिमिट क्या है 1 से लेके 3 तक, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है 1 से लेके 3 तक जिसके लिए फंक्शन नेगेटिव होगा, हेंस जो इसका इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली करके x स्क्वायर माइनस 1 1 से लेके 3 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर विल बी 6।
Now, next question में two cards are drawn from without replacement from a pack of 52 cards. हमें black red की probability निकालनी है. तो दो केस बनेंगे, black red, red black, without replacement था. Next card will be 51. यहाँ पे 51 था. Answer क्या आ जाएगा? 26/51. Now, question number 20th. A very simple question. Formula from exercise 7.4. तो क्या था? Sin inverse 2x/3. 2 से divide करेंगे जो उसका coefficient था हमारे पास. तो ये सेट वन के जो हमारे पास आंसर थे सेक्शन ए के वो डिस्कस कर लिए. अब चलते हैं सेट टू के. जो क्वेश्चन डिफरेंट है जो सेट ए के अंदर नहीं दे रखे हैं हमारे को, और वो क्वेश्चन कौन से हमने मेंशन कर रखा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेट वन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है. और ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ए इज गिवन -2, आई डिटर्मिनेंट इज 1. आंसर विल बी -2 × 1. ऑप्शन ए इज करेक्ट, -2. ठीक. Now, question number 3rd is also different. Cos inverse cos 13π/6. This value is also not lying in the principal value. जो cos की principal value होती है वो कितनी होती है हमारे पास? 0 से लेके pi के बीच में. तो 2π + π/6. This will move to the first quadrant. First quadrant means π/6. π/6 directly आपका इसका आंसर आ जाएगा. और कितना हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी π/6 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7th, which is different from the set A. तो 7th क्वेश्चन में 1/x² sin 1/x का इंटीग्रेशन करना है. देखते ही अगर हम -x पुट करें तो हमारे पास फंक्शन आ रहा है. डायरेक्टली आंसर कितना होगा इसका? 0. Now, question number next time, our first question number next 8th is different from this. In this set, the image of the point -2, -1, 5 in the plane r dot i cap is, और वो क्या होगा? सिर्फ आपने ये क्या, हमारे पास x is equal to 0 वाला plane है, तो x coordinate का sign change करके -2, -1, 5, that is option A is correct. Now, next question, question number 13 is different. Question number 13 different है. इसके अंदर column operation लगाने, और column operation right side पे लगाने है. सिर्फ right hand side वाले matrix पे लगेंगे, उसको change करके 1-4, 2-6 बन जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट, इसके साथ और में एक क्वेश्चन है हमारे पास. और में क्या? स्क्वायर. इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, फिर भी आपको बता देते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 16th इज ऑल्सो डिफरेंट. 16th में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a दे रखा है. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2i. तो ए डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना आएगा हमारे पास? 2. क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं हम. अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी, सेट नंबर 3rd पे चलते हैं. सेट नंबर 3rd में हमारे पास जो सॉल्यूशन थे, सेट नंबर 3rd के हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चन थे जो सेट 1 और 2 में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन चला रखे हैं आपके साथ साथ, वो क्वेश्चन देखते रहिए आप. क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 3rd का जो क्वेश्चन नंबर 1st है उसमें क्या दे रखा है अभी हमारे पास? ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. नॉन इन्वर्टिबल मींस डिटर्मिनेंट ए कितना होगा? 0. और अगर डिटर्मिनेंट ए को 0 पुट करोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. फिर सेकंड क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंट. थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दी टू सेट्स. टैन इनवर्स टैन 7π/6, तो उसको चेंज करके π + π/6 लिखा जाएगा. π + π/6 अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा तो π/6 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो डिफरेंट है इसका, 7th क्वेश्चन. 1/x log x. log x का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर 1 इंक्रीज करके इंक्रीज पावर से डिवाइड करेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log e 1 होगा. आंसर कितना आ जाएगा? 1/2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8th इज अगेन डिफरेंट. 10th क्लास का क्वेश्चन है जी, 10th लेवल का. आपने एक पॉइंट लेट करके उसको k-1 में डिवाइड करके z कोऑर्डिनेट निकालना है. वो z कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका? 4. तो इसका आंसर कितना है हमारे पास? 4. 13th क्वेश्चन, अ डिफरेंट क्वेश्चन. क्या दे रखा है? a21 a11 a22 a12. ये कैपिटल ए इज कोफैक्टर एंड ए स्मॉल ए इज एलिमेंट. और एक एलिमेंट को डिफरेंट लाइन, रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना है हमारे पास? 0. Now, question number 16th. 16th is different from set 1 and 2. Last question है, जो different question है, -a × a transpose का determinant. Minus बाहर निकालना है, power क्या आएगी? Order, -3 power आगी. A determinant into a transpose का determinant, बात एक ही है, दोनों given है. -1, 2 × 2, answer will be -4. Question number 16th का answer कितना है हमारे पास? -4. ये सारे set के questions हमने discuss कर लिए. Set 1 में question थे, set 2 के different question, set 3 के different question. तो सारे question discuss होने के बाद आपका स्कोर क्या बन रहा है 20 में से, वो हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं. और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी को लेके चलेंगे, सेट 1 के. थैंक यू.